गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हमारा एक इवेंट चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, और वहाँ पे हमारा आज शूट वगैरह का भी काम ले रखा हमने। तो अभी देख रहे होंगे कि पीछे कहाँ गुलाब गुलाब के अंदर हम घूम रहे हैं, तो हम आ रखे फ्लावर गार्डन में। यहाँ पे हम बुके बनवा रहे हैं गिफ्ट वगैरह देने के लिए। तो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ कैसे के बुके वगैरह बन रहे हैं। इधर देखो गेंदे का फूल वगैरह रखा हुआ है, और इधर बना रहे हैं ये हमारे चाचा जी बुके। देखो कितना ही अल्टीमेट लग रहा है, मल्टी कलर में बना रखा हमने ये येल्लो रोज़, रेड रोज़ और वाइट रोज़, तीनों हमने मिक्स कर रखा है इसमें। और ये कौन बैठा है पीछे? सो हम कौन से वाले फ्लावर गार्डन में है इसके बारे में तो मैंने एक प्रीवियस ब्लॉग में बता दिया था। ये देखो क्या हरकतें कर रहा है प्रीवियस वीडियो में मैंने बता ही दिया था। और आप लोगों को अगर ऐसे बुके वगैरह बनवाना है, फ्लावर वगैरह चाहिए, पूरा नेचुरल फ्लावर जो भी चाहिए, गुलाब चाहिए, गेंदा चाहिए, कुछ भी एक्सपर्ट कुछ भी फ्लावर चाहिए, तो आप लोगों को इसका लिंक और नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और ये सब कुछ ले सकते हैं। तो ये पैक कराता है फटाफट से और चलते हैं इवेंट के वहाँ पे। तो गाइस हम जाने के लिए तो एकदम रेडी है, बट क्या ही करें। ये देखो हम जो रोज़ वगैरह लेके घर पे आ गए थे बुके वगैरह जो भी, ये देखो बारिश गिर रहा है और कुट्टी इधर बैठा है। क्या कर रहा है भाई? क्या होगा यार, बारिश होगा तो पूरा कार्यक्रम खराब हो जाएगा। नहीं होगा, देखते भी थोड़ा बारिश जैसे कम होगा वैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्टली वहाँ पर। कार्यक्रम वैसे कहाँ पर हो रहा है, जो हमारा प्रोग्राम सुरेंद्रनगर पास नंबर में जहाँ पे वहाँ भारत माता मंदिर है वहीं पर हो रहा है। तो अभी जाके क्या प्रोग्राम है सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो में पता लग जाएगा आप लोगों को। और जिन्होंने इंस्टाग्राम में फॉलो कर रखे उन्हें तो अभी पता लग चुका होगा क्या प्रोग्राम हो रहा है क्या नहीं, मतलब कुछ आर्ट से रिलेटेड हो रहा है, आर्ट एग्जीबिशन लग रहा है वहाँ पे। बस वहीं पे जा रहे हैं हम लोग और वहीं पे हमारा प्रोग्राम है। तो अभी थोड़ा सा कम हुआ, चलो बुके वगैरह उठा लेते हैं, आओ जल्दी आओ। सो गाइस हम प्रोग्राम के लिए तो निकल चुके हैं, बट ये बारिश ने पूरा परेशान कर रखा और पूरा प्रोग्राम मिट्टी ना कर दे, भगवान करे बारिश फटाफट से रुक जाए। ये देखो अभी बरस रहा है गाड़ी भी, ये देखो बहुत ही ज़्यादा बरस रहा है और ये रास्ता वगैरह सब कुछ भीग गया और इधर हम भी भीग रहे हैं। लेकिन मज़ा तो आ रहा है, लेकिन यार सोचो यार प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा हमारा। जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया उनका क्या कैसे फील हो रहा होगा बारिश की वजह से, मौसम नेचर के आगे क्या ही कर सकते हैं सोचो यार। चलो कोई ना, पहुँचते फटाफट और थोड़ा स्पीड पे चलता हूँ नहीं तो भीग जाऊँगा आज पूरा। सो फाइनली वी आर रीच्ड एट आवर प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे हमारा इवेंट होना है, ये पोस्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और ये देखो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। सो गाइस अभी हम कला कुसुम आर्ट गैलरी में हैं और एक हम बायोग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं इनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ले रहे हैं और कुछ डेकोरेशन इस प्रकार का। और ये कौन है पहचानते हो? यहाँ की अंकर है और भी बहुत लोग हैं, सबसे एक एक करके मिलवाएंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं हो पा रहा है। मजा आ रहा है प्रोग्राम में? जी बहुत। चलो चलो यहाँ पे वो समाज के साथ में अपने अपने मनोभाव को व्यक्त कर सकता है। तो हमारे उत्तराखंड राज्य में क्रिकेट स्टेट कहती है देहरादून में, और मुझे बड़ा ही मतलब जब मुझे पता चला यहाँ पे इस क्षेत्र में ये गैलरी सुरेंद्र जी ने खोली है। हमारा छोटा भाई और हम लोग अभी कला कुसुम आर्ट गैलरी में हैं और आज है डे टू। बस अभी घर जाने की तैयारी है, काम नाम तो यहाँ पे सब कुछ निपट चुका है। और इधर देखो कुछ इन्फ्लुएंसर इधर भी है जो कि यहाँ पे रील वगैरह बना रहे हैं भरे पड़े। और इधर हमारे एक आर्टिस्ट भाई, सब अपना अपना नाम बताओ लाइन से। मेरा नाम सारिका राय। तो मैं क्या करूँ? चलो भाई चलो